यंगस्टर्स की मैं बड़ी फेवरेट हूँ। मैं नहीं कहती, वो कहती है। वो कहती है। सब्जी खरीदने भी खड़ी हूँ तो कोई मुझे आके कहता है सेंट जोसेफ, मैं कहती हूँ इन आंखों की मस्ती ना, लाइक ओह गॉड। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia Mukni. You're watching me on Fusha Magazine and this is my third attempt to give an introduction. Yes, kabhi kabhi hota hai aisa ki main ek flow mein nahi jati hoon aur jo meri guest hai mere samne baithi hui hai aur bada koshish kar rahi thi ki main impression banaun lekin impression ka beda gark ho chuka hai. To main sochu ki apne aap ko aur mushkil mein dalne ke bajaye main directly unki taraf aapko leke chalti hoon. Aaj mere saath hain studio mein Hina Khwaja Bayat. Assalamu alaikum Hina. Wa alaikum assalam. और मैं आपको एक बात बताऊं राबिया कि आपने जो बात कही ना कि थर्ड अटेम्प्ट, मुझे एक दफ़ा मोइन अख्तर साहब ने ये बात कही थी। मैंने उन्हें कहा था मोइन साहब कुछ भी कर लूँ ना इतने सालों के बाद भी आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, जब मैं भी कोई हर रोज़ जब नया प्रोग्राम कर रही होती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक ये बटरफ्लाइज रहेंगी तो अपना काम इम्प्रूव करती रहोगी। दैट्स ट्रू, दैट मैं एक्चुअली जिस दिन मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ, स्ट्रेस में होती हूँ ना, उस दिन मैं काइंड ऑफ रिलैक्स भी होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा राबिया यू नॉट टू कम्फर्टेबल अबाउट कि यू विल डू अ गुड जॉब, तो दैट मेक्स यू कीप यू नो आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। पहले तो आई वॉन्ट टू से थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, अभी अभी आप लाहौर से आई हैं और आपने आते ही साथ मुझे टाइम दिया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये बहुत पुराना आपके साथ एक वादा चल रहा था, आज वफा हो गया। दैट्स ट्रू एंड आई लव योर ग्रीन आई लाइनर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट गेट टू डू दिस, I don't get to do this on screen because हमेशा एक वो अम्मा जान जो दुपट्टा सर पे लेके तो शराफत की पुतली बन के फिर रही होती है, या वही अम्मा जान बहुत जहरीली भी होती हैं। जहरीली भी होती हैं। I'm like, let me be fun, let me put my blue and green eyeliner, let me blow dry my hair, let me look good. Yes, and which you always are, but आज भी माशाल्लाह से। अच्छा मुझे भी कलर्ड आईलाइनर्स लगाने का बहुत शौक है, but green somehow मुझे ये वाला शेड मिला नहीं है, this is a really nice shade. बता दूंगी कहाँ से लिया। हाँ, क्योंकि वो green, blue उठ जाता है, लेकिन green मुझे लगता है you have to have the right shade ताकि वो आँख पे उठे भी, वरना वो ब्लेंड इन हो जाता है आपकी स्किन पे। अच्छा जी, कहाँ से शुरू की जाए, बड़ी बातें हैं, बड़े सवाल हैं। और जब मैं इंटरव्यू के लिए रिसर्च करी थी तो मैंने कहा यार आधी बातें तो हिना ने बता दी हैं, अब मैं क्या पूछूं, यू नो, और ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो अब देखते हैं कि मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब होती हूँ या नहीं होती हूँ, यू नो। आई एम श्योर आप होंगी। चलिए, इतना तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से आप गई उलझन सुलझन की तरफ। जी, उन व्यूअर्स के लिए जिनको पता नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, जब हिना ने शुरू किया था तो वो जियो पे एक शो करती थी जिसका नाम था उलझन सुलझन, और उसमें लोगों के लोग अपने प्रॉब्लम्स भेजते थे और ये लोग सोल्यूशंस बनाते थे, और पूरा एक पैनल होता था जिसके साथ उसी वक्त ये लोग डिस्कस कर रहे होते थे एंड सोल्यूशंस निकाल के बताते थे। तो बहुत आई थिंक 12 एपिसोड से उसको फिर लंबा कर दिया था। नहीं, ये तो शुरू में इनडेफिनिट सा ही था, बिकॉज आई वाज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो तो प्रोग्राम चलना ही था। और ये कोई आज से 10-12 साल पहले की बात है। दिस वाज प्रिसाइसली व्हेन जियो स्टार्टेड, जियो लॉन्च इन 2002, एंड आई वाज ऑन द फर्स्ट ट्रांसमिशन जो कि इलेक्शंस की थी। ओके, एंड देन द शो स्टार्टेड इन 2003। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ठीक है, वो आपको सीमा ताहिर ने बोला कि एक इंटीरियर का प्रोग्राम करते हैं डिजाइनिंग का। एक्चुअली उलझन सुलझन की तरफ नहीं गई थी। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ। अंदाज अपना अपना वाज द शो दैट आई डिड विद सीमा ताहिर। ओके, क्योंकि वो प्रोग्राम ही था ऑन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। हाँ, लेकिन क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आप लोगों की उलझनें सॉल्व करने में ये ट्रांजिशन वो ये हुआ कि जब मैंने क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे बात की तो लोगों के जहन में शायद क्रिएटिव एक्सप्रेशन कोई बहुत ही फ्रिवलस सी चीज़ होती थी। मेरे लिए एवरीथिंग फ्रॉम सिंगिंग एंड पोइट्री एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू प्रोडक्ट डिज़ाइन टू म्यूज़िक, जहाँ पर भी आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं वो कोई आसान चीज़ नहीं है। yeah. मुश्किल काम है। बिल्कुल। और उस मुश्किल काम को करने वाले जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं। सही बात। सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ स्टोरी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ समथिंग टू ऑफर जो दूसरे के पास नहीं होती। सो व्हेन आई वाज डूइंग दैट शो, उसके दौरान मेरा ख्याल है मैं उस क्रिएटिव काम में वो सीरियसनेस सामने ले आई जो लोगों को लगता था कि इस काम में है ही नहीं। तो उसके बाद जब जियो शुरू होने वाला था, अभी हुआ नहीं था लॉन्च, दैट इज़ व्हेन द स्टोरी अबाउट डूइंग अ प्रोग्राम ऑन सोशल इश्यूज स्टार्टेड। तो ये आइडिया किसका था? आइडिया मेरा नहीं था, आपको अप्रोच किया? ये आइडिया मेरे इब्राहिम रहमान का था, हु इज़ द सीईओ ऑफ जियो नेटवर्क। और इब्राहिम से मैंने कहा कि ये जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं ना, मैं तो इसमें फंस जाऊँगी। okay. क्योंकि मैं तो ज़िंदगी को बहुत सीरियसली लेती हूँ। हाँ. और ये बड़े सीरियस इशूज़ हैं। सो ही सेड, इसलिए तो मैं ऐसा शख्स चाहिए जो सीरियसली चीज़ों को ले। सो व्हेन आई स्टार्टेड द उलझन सुलझन, वो
मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज पे ही था. ओके. लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ जितना काम करती गई और रिसर्च होती रही और एक एक इंडिविजुअल से हम मिलते थे या बात करते थे, छः छः आठ आठ महीने उसको फॉलो करते थे, उसके प्रॉब्लम को समझते थे. ओके. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो कह रहा है कि मैं विक्टिम हूँ विक्टिम है. वो इतनी रिसर्च लगती थी, छः छः आठ महीने, दैट्स काफ़ी कम मिनिमम. तो उलझन सुलझन फिर फैल कर जियो हिना के साथ बन गया था. क्योंकि हमने कहा मसले मसाइल तो हैं, हम सॉल्यूशंस ही प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे लोग और ऐसी चीज़ें सामने लेकर आनी है जो मोटिवेशनल हो. सही बात है. क्योंकि जियो पर जीना भी था ना. ये बात ही है. अच्छा मुझे ये बताएं, कब ये ख्याल, मतलब ये किस वक्त आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे एक्टिंग में मजा आ रहा है? बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ था. हाँ, अच्छा. नहीं लेकिन किस ना एक्टिंग शुरू करते हुए रियलाइज हुआ था. मैं तो ये कहती थी मुझे नहीं आती, मुझसे क्यों करवा रहे हैं. बट जब करना शुरू किया तो वो जियो हिना के साथ भी साथ साथ चल रहा था. वो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, वो तो मेरी जान थी उसमें. लेकिन एक्टिंग का थोड़ा सा चस्का लग गया. क्योंकि आई थिंक वो जो इतने सारे किरदार आपको मिलते हैं ना, स्पेशली एज एन इंटरव्यूअर और एन एंकर पर्सन, आप और जिस तरह की प्रोग्राम्स मैं करती थी वो ऑलमोस्ट मिनी डॉक्यूमेंट्रीज होती थी. तो उन जगहों पर जाना, उन लोगों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी साइकी को समझना, वो किरदार कहीं अंदर रह जाते हैं आपके साथ. उठा लिया आपने कुछ ना कुछ वहाँ से, कुछ ना कुछ आपको लाइक आपको एक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने वो छाप नहीं रहे आप, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग जरूर है. मैं कहती थी कि नहीं, ये औरत ऐसा सोच ही नहीं सकती. Okay. ऐसी औरतें तो यूँ करती ही नहीं है, ऐसी औरतें तो. मुझे कहते हैं आपको कैसे पता है? मैंने ऐसी बहुत औरतें देखी हुई है. आपका तो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस था. तो आई थिंक उसकी वजह से एक्टिंग का मज़ा बहुत आया. तो क्योंकि मुझे ना एक चीज़ बड़ी इंक्विजिटिव में हो रही थी कि आपने क्लास फोर्थ में लिखा था एसे में कि आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस. फिर फैमिली से भी, बैकग्राउंड में भी, मतलब माशाल्लाह से अम्मी को भी देखा, अबू को भी देखा, तो मुझे ये था कि हिना ऑन ग्राउंड क्या कर रही हैं, क्या वो डिफरेंस, हैव यू मेड दैट डिफरेंस जो आप चाह रही थी, जो आपने इतने छोटे बचपन में सोचा था? मुझे पहले लगता था कि कोई बड़ी ग्रैंडियोज चीज़ करनी पड़ती है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है टू मेक अ डिफरेंस. लेकिन अब मुझे लगता है कि आप अपनी डेली जिंदगी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों के लिए. जीना तो आपने है, जिंदगी जितनी आपकी लिखी हो तो आपने गुजारनी है. बिल्कुल. लेकिन अगर आपकी जिंदगी जो है वो सिर्फ अपनी जात तक ही महदूद रहेगी तो फिर आपके होना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना. सो शायद मेरी एम्बिशन जरा टेढ़ी सी थी कि मेरे होने से कुछ फर्क पड़ना चाहिए. ये होता है ना लोगों में. आई डोंट नो. आई जस्ट फेल्ट कि इट्स अ यूजलेस लाइफ अगर वो किसी के काम नहीं आती तो. सो मैं कोई बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करती हूँ, लेकिन आई फील कि अगर आप किसी की तकलीफ में उसका एहसास कर लें. मुझे उलझन सुलझन से और जियो हिना के साथ से बहुत सेटिस्फैक्शन. मुझे वाकई लगा कि मैं लोगों की जिंदगियों में कोई पॉजिटिव, कोई मुस्बत चेंज लेकर आ रही हूँ. अगर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उन्हें गले लगा के रो तो सकती हूँ. सही बात है. मैं उनको प्यार तो दे सकती हूँ. अगर वो इतने मजबूर हैं कि वो कुछ भी मैं उनके लिए नहीं कर सकती, मैं उनके लिए दुआ तो कर सकती हूँ. बिल्कुल. तो वहाँ मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होती थी. अभी भी वो लोग मुझसे, बहुत सारे लोग इन टच हैं. अच्छा, माशाल्लाह. नंबर्स भी उनके मेरे पास है, मेरा उनके पास है. दे ईमेल मी, दे सेंड मी मैसेजेस ऑन मैसेंजर. कोई खुशी होती है उनकी ज़िंदगी में तो भी बताते हैं. Cute. कोई दुख या तकलीफ होती है तो कुछ एडवाइस चाहिए होती है तो भी मैसेज कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि वो सिलसिला अभी भी है. और वो लोग जो प्रोग्राम में शामिल होते थे उसके अलावा हर इशू जो हम डिस्कस करते थे उसके पीछे पूरी फाइल्स होती थी ऐसे केसेस की जो हम ऑन एयर नहीं करते थे. ओके. लेकिन आप इन टच होती थी? मगर इन टच होते थे. तो आई थिंक वो चीज़, हाँ मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है. अगर आज भी, क्योंकि इस कोविड की सिचुएशन में हमारी एक्टर्स बॉडी है एक्ट के नाम से, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, आई एम फाउंडर मेम्बर इन ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. तो जहाँ मैंने SOPs ड्राफ्ट किए फॉर द इंडस्ट्री कि हम काम दोबारा शुरू कर सकें, उसके पीछे भी एक मोटिवेशन थी कि चले हम लोग शायद 6 महीने घर बैठ जाएं. वो हमारी फ्रटर्निटी के हमारे कॉलीग्स जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो कैसे घर बैठेंगे? सही बात है. तो हमें रास्ता निकालना है. तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो एहसास होता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस.
आई एम सॉरी कि मैंने अगर आपको कॉर्नर किया, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ये मुझे बता रही हो, मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है. कि मुझे हर सवाल कर सकती है क्योंकि मैं जवाब दूँ. हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बिकॉज आपने बिल्कुल सही बोला. हम कहते हैं यार जाके कोई हॉस्पिटल खोल लो या एस्ट्रोनॉट बन जाओ या जंग लड़ लो तो फिर ही आपने दुनिया के लिए कुछ किया. बट आपने कितनी अच्छी बात बोली कि आपने SOPs किए ताकि इंडस्ट्री में काम दोबारा स्टार्ट हो जाए. अब उसी से मुझे अच्छा दो तीन सवाल एक साथ दिमाग में आ रहे हैं. सो अच्छा इस पे हम दोबारा आते हैं. अब मुझे बताएं ये एक्टर्स आपके जो एसोसिएट, व्हाट डू यू कॉल इट, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, ये है क्या? ये मैं पढ़ भी रही थी तो मैं ये पूछना चाह रही थी इसका रोल क्या है और आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है और अगर इफेक्टिव नहीं है तो इसमें क्या रुकावटें हैं? अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन नहीं थी जो कि अदाकारों को या फनकारों को रिप्रेजेंट करे. और बहुत दुख की बात होती है कि अगर मैं इवन नादरा के ऑफिस जाती हूँ और अगर मेरा उन्होंने डिटेल्स अपलोड करनी है तो एक तो मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ, वो मुझे कहते हैं आपको कहाँ डालें, मतलब आप आर्किटेक्ट हैं? नहीं. आप इंजीनियर हैं? नहीं. तो वो शोबा ही खाली है. अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन में डाल दें, मैं कहती हूँ डाल दें. फिर मेरा प्रोफेशन, आप एक अदाकार हैं, आपको हम कहाँ डालें? क्योंकि अदाकारों को आप रिकग्नाइज ही नहीं करते. इतनी हैरत की बात है कि जो मुल्क आपको, आप अदाकार आपकी पहचान होते हैं, फनकार आपकी पहचान होते हैं मुल्क से बाहर, बिल्कुल, और यहाँ पर आप रिकग्नाइज ही नहीं है कि ये एक प्रोफेशन है. हम टैक्स पेयर्स हैं सब के सब. हमारा चेक हमें तब मिलता है जब टैक्स पे हो जाता है, टैक्स डिडक्शन के बाद पेमेंट होती है, और हमें ही आप रिकग्नाइज नहीं करते. तो फिर क्या किया आप लोगों ने? तो हम लोगों ने बहुत सालों की मेहनत के बाद अपने आप को रजिस्टर करवाया है एज एन एसोसिएशन. और क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज बॉडी है तो पहली बार गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया कि हाँ ये प्रोफेशनल्स हैं, ये काम करते हैं और ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये टैक्स पेयर्स हैं. सो एक तो वो चीज़ हुई. आप अकाउंट नहीं खोल सकते थे बैंक में, रियली आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलता था, आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपकी सैलरी कहाँ से आती है. अब हम सैलरीड लोग नहीं, हम कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं. तो अब वो फैसिलिटीज, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इस चीज़ का. यू आर राइट, आप जियो या ARY या हम के सैलरी तो नहीं, आपको तो सैलरी तो है ना, प्रोडक्शन हाउस की सैलरी. एग्जैक्टली. ओके. तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये बहुत बड़े मसाइल थे. तो अब अगर हमारा एक्ट का अकाउंट है विद ए सर्टन बैंक, तो अब वो बैंक मुझे कैसे कह सकता है कि हम किसी एक्टर का अकाउंट नहीं खोलेंगे या उसको डेबिट कार्ड नहीं देंगे? सो ये चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन हो रही हैं. लोग बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं जी हमारी पेमेंट रिलीज हुई कि नहीं हुई. एक्टर ये कहता है, वो ये नहीं सोचता कि आपका स्टेटस माशरे में चेंज हो रहा है. बिल्कुल. जो कि इन द लॉन्ग रन शायद मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ के लोग मर जाएंगे, मगर आने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा. जिस तरह के आपको बाहर UK या US में बाकायदी से ऐसी बॉडीज़ मिलती हैं जो कि एक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और आपको उसका मेंबर होना पड़ता है टू बी एबल टू गेट वर्क. बट अदर देन दैट, आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई, मतलब आप लोगों की से है, और अगर नहीं है तो इसको कैसे कराया जाए? बिकॉज मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में ये चीज़ मिसिंग है. कोई एक बॉडी नहीं है जो स्ट्रीमलाइन कर सके चीज़ों को, जो इश्यूज़ को लेके आगे चल सके. फॉर एग्जांपल वो जो केस हुआ था, जब केस तो नहीं बोलूँगी, वो इंसिडेंट जो हुआ था जब दुबई में एक अवार्ड्स हुए थे और बहुत से एक्टर्स को प्रॉमिस करके नहीं लेके गए थे, उस वक्त आई थिंक हमने भी एक्ट में बात की थी, लेकिन उमेर राना से हमारी बात हुई थी आई थिंक. लेकिन वही बात थी ना कि सिर्फ बात हो रही है, एक्शन क्या हुआ? उसकी वजह बहुत कंक्रीट है. आप एक बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, आप उसके मेंबर ही नहीं है. एक्टर्स सारे, आप जनरली वो जितने भी एक्टर्स गए थे उनमें से कोई भी एक्ट का मेंबर नहीं है. अब आप खुद मेंबर बनते नहीं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्ट आपके लिए एक्शन ले? किस बेसिस पे ले? देखिए आप लीगैलिटी को समझें, ठीक है, हमारी कोई बेस नहीं बनती. हाँ एक्ट का कोई मेंबर अगर उसके साथ ज्यादती होती है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली एक जगह बनती है कि हम उसके लिए केस भी लड़ सकते हैं, उसके लिए केस फाइल भी कर सकते हैं. ना उन लोगों ने हमसे रुजू किया कि जी हमारे साथ ही ज्यादती हुई है, ठीक है, तो अब हम खुदाई फौजदार तो नहीं है ना? नहीं, मैं एक मेक उस मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं. ऑन द सेम नोट, जहां पर किसी एक्टर के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी प्रोड्यूसर ने उसके पेमेंट नहीं की है या कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने बैकआउट कर गए, वहाँ एक्ट ने अपना रोल प्ले किया है. हमने लोगों की पेमेंट्स भी रिलीज करवाई हैं. जब अब वो एक्ट के मेंबर्स नहीं थे जो कि थाईलैंड में
बेचारे फंस गए थे, सनम सईद वगैरह ने हमें कॉन्टैक्ट किया, नन ऑफ देम आर एक्ट मेंबर्स. और ये मुझे हैरत भी होती है, मैं खुद उनसे कहती हूँ कि आप लोगों की भी आफरीन है आप पे कि जब जरूरत होती है तो आप एक्ट को याद कर लेते हैं, और वैसे आप जो है मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने वो 5,000 रुपए की एनुअल फी नहीं देनी, दैट्स इट व्हिच यू कैन वेल अफोर्ड. ऑफ कोर्स. तो उस वक्त वो लोग वहाँ फंस गए थे, हमने एक्ट के थ्रू अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए रब्ता करके उसको ऑफिशियली परसू करके गवर्नमेंट के साथ कोशिश की कि वो लोग वापस आ सकें, और वो आए. तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्ट कर रहा है. कोविड की वजह से थोड़ा सा काम रुका है, इससे रुका है कि हमारी मेंबरशिप ड्राइव नहीं हो सकती, हम अपनी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग नहीं कर सकते, हमारे इलेक्शंस होने थे. मुझ जैसे लोग कहने खुदा का वास्ता है, आई हैव ओवरस्टेड माय टेन्योर, लेट मी गो, बट इलेक्शंस नहीं हो सकते तो मैं जा नहीं सकती छोड़कर. मुझे लगता है आप एक फैंसी सा कोई प्रोग्राम, अवार्ड प्रोग्राम कर लें, फिर आपकी मेंबरशिप्स भी हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा. पता है जिंदगी इतनी फ्रिविलियस नहीं है. होनी नहीं चाहिए. नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, राबिया आपको मैं अवार्ड दे दूँ और आपको पता हो कि शायद आप इतनी डिजर्विंग नहीं है, वो दूसरा शख्स था, आपको तो पता है ना, बिल्कुल. उसके बरक्स आप सड़क पर जाएं और 6 लोग आपको रुक कर कहें कि राबिया जब आपका प्रोग्राम होता है ना तो हम जरूर देखते हैं, वो ज्यादा बड़ा अवार्ड है, वो ज्यादा बड़ा अवार्ड है. सो इन अवार्ड्स को भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. नहीं लेना चाहिए. नहीं, मैं तो वैसी लाइट. अब तो नोबेल पीस प्राइज भी क्वेश्चनेबल हो गया है. सही बात है, सही बात. नहीं, मैं तो वैसी एक मजाक में कह रही थी कि वो जो हो रहा है हम सब ग्लैमर और अब हम सब हो गए ऐसे, हमारा इरादा है रेड कार्पेट हो और एक्ट फ्लैशेस हो. एक्ट का ये इरादा जरूर है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अवार्ड्स हों, हम ये नहीं चाहते किसी एक चैनल के हों या किसी ब्रांड के हों. हम चाहते हैं इंडस्ट्री के अवार्ड्स और इंडस्ट्री के लोग उसको रिकॉग्नाइज करें. बिल्कुल, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, वो किसी ने चूज नहीं किया, आप लोग खुद जो हैं वो करें, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो. हाँ बिल्कुल सही. और मेरे लिए रेड कार्पेट पे स्पेशल हम फ्यूशा की कवरेज के लिए स्पेशल अभी से आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जब भी हो मैं अभी से प्रॉमिस लेके बैठ जाऊँ ताकि मुझे धक्के नहीं खाने पड़े. मेरी कमिटमेंट आपके साथ है. अब एक्ट अगर मुझे इतनी इज्जत दे दे कि मेरी कमिटमेंट पे पूरा, I'm sure they अब ये तो आप साइड से निकल गई हैं. नहीं नहीं, ये मैंने उनके ऊपर भी डाल दिया. ठीक है ठीक है. बुक्स पढ़ती हैं आप? आजकल मौका नहीं मिलता, बट बहुत पढ़ी हुई है ना, बहुत शौक है पढ़ने का. कोई किताब है जिसने आपको बहुत दिल को छू लिया, इम्पैक्ट किया और चेंज कर दिया आपको एज अ पर्सन, या आपने कुछ पिक किया उसमें से, कौन सी किताब है वो? बहुत सारी है, कोई दो बता दें. कोई एक इसलिए कहूँगी क्योंकि वो नाफरमानी की सजा भी थी. अम्मी वॉज एन एविड रीडर, अबू वॉज एन एविड रीडर. ठीक है. तो अब हमारे घर में एक लाइब्रेरी बाकायदगी से होती थी, तो हमें कहा गया था कि बेटा जितनी हाइट है ना उस हिसाब से किताब उठानी है. ओके. कुछ किताबें ऊपर के शेल्फ पे थीं जो कि आप जरा बड़े हो जाएं तो पढ़ेंगे. तो मुझे अभी भी याद है कि मंटो साहब की किताबें ऊपर पढ़ी हुई थीं, असमत चुगताई के ऊपर होती थीं, उसी तरह से कुछ जो इंग्लिश ऑथर्स थे उनके ऊपर होती थी, क्योंकि आपकी समझ, आपका जहन बहुत छोटा है, आप नहीं समझ सकते. बिल्कुल. तो नीचे ज़रा लाइट रीडिंग होती थी. एक दिन मेरी बहन ने गलती से एक किताब नीचे रख दी जो कि मुझे पता था कि ऊपर के शेल्फ की किताब है. अच्छा. वो किताब मैंने पढ़ तो ली, लेकिन जब मैंने उसके उसका पहला चैप्टर पढ़ा तो राबिया मैं इतना रोई और मैं इतनी डर गई कि मैं अम्मी के पास गई और मैंने रोते हुए उन्हें कहा कि अम्मी मुझसे ये हो गया, मैंने ये गलती कर दी, मुझे बहुत मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, मैं सो नहीं पा रही. और वो रज़िया भट्ट का नावल था बानो. ओके. हालांकि हमारी उर्दू की नावल्स को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते. बानो की कहानी वो कहानी थी जो जब मुझसे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और डायरेक्टर दोस्त पहले हायसम हुसैन ने एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया, और जैसे उसे मुझे स्टोरी बतानी शुरू की मैंने कहा ये तो बानो की कहानी है. अच्छा. एंड ही वाज शॉक्ड, ही सेड डोंट टेल मी यू हैव रेड दिस आल्सो. ओह गॉड. आई सेड आई हैव. और मैं वो इतना एक छाप लग गई मेरे जहन पे कि वो कभी उतरी नहीं उस चीज से. एंड दैट वाज अबाउट द पाकिस्तान मूवमेंट, अबाउट पार्टीशन, एंड दैट वाज अ ड्रामा कॉल्ड दास्तान. यस आई रिमेंबर. सो बानो ने मुझे बहुत बुरी तरह हिला के रख दिया. वो बहुत सीरियस किताब है, वो बहुत पावरफुल किताब है, उस उम्र में पढ़ने वाली किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने पढ़ ली, क्योंकि उस एज से मुझे पाकिस्तान मूवमेंट में एक इंटरेस्ट हो गया, दिल में आ गया कुछ उसको समझने की ज़रूरत थी, जो कि मुझे लगता था कि मेरे पीयर्स बड़े आराम से कहते हैं ना बनता पाकिस्तान, क्या ज़रूरत है कश्मीर की. सीरियसली मुझे आग लग जाती है जब ये लोग बात करते हैं कि आप
सोच के समझ के बात करें ना, आपको पता है नहीं आप क्या बात कर रहे हैं. मुझे लोग कहते हैं कि आप इंडियन फिल्म्स देखती हैं, आप इंडियन एक्टर्स को अप्रिशिएट करती हैं और फिर आप कश्मीर की बात भी करती हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ, इसलिए क्योंकि अगर इरफान खान चल बसे तो ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. मैं उनके क्राफ्ट को, उस शख्स को बुरा क्यों कहूँ? बिल्कुल सही बात है. लेकिन जो एक एवरेज इंडियन, मेरा दोस्त भी हो सकता है, एक अच्छा इंसान भी हो सकता है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, मैं उसको सपोर्ट तो नहीं करूँगी. नो वे, कहीं भी हो टेररिज्म, नोबडी विल, वी वुड नॉट सपोर्ट. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इंडिया, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट ह्यूमैनिटी, इंसानियत. बिल्कुल. तो आई थिंक हमें अपनी हिस्ट्री समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है और वो बहुत कम हो गई है मुझे लगता है आजकल के ज़माने में. जब हम लोग पढ़ रहे थे तब बड़ा हमने पढ़ा, यू नो, इंडिपेंडेंस मूवमेंट एवरीथिंग. मुझे आजकल की जनरेशन में थोड़ा कम नज़र आती है वो चीज़, वो कनेक्शन ही नज़र आता मुझे. जियो हिना के साथ में हम आखिर में एक चीज़ करते थे. अच्छा. हम हर इशू के ऊपर जो बात करते थे उसके लिए हम एक रोल मॉडल भी लेकर आते थे जो कि जिंदा जीता जागता रोल मॉडल उस चीज़ से बात कर सकता है जी. और उसके साथ साथ हम अपने हीरोज़ में से किसी को उठाते थे, उसके बारे में बताते थे. सो एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स, शायद वो स्ट्राइक कर जाए, शायद आपके अंदर वो शोला ही भड़क जाए कि इसके बारे में और जानना चाहिए. बिल्कुल सही. तो मे बी राबिया कैन डू इट ऑन हर शो. ओके, ये अच्छा है. देखिए, मुफ्त मशवरा भी दे रही हूँ, कॉपीराइट की बात भी नहीं कर रही. मेरी अम्मी ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि जब कोई कहता है ना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, तो माई मदर यूज्ड टू से कि तुम्हें देख कर मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालदैन आपके जैसे नहीं थे. बिल्कुल. वरना पाकिस्तान तो ना बनता. बिल्कुल. अगर आप अपनी जात के बारे में ही सोचते रहेंगे, आप मुल्क के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप आगे की जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो सारी औरतें, वो सारे मर्द जिन्होंने इतना कुछ कुर्बान किया, अपने बच्चों की भी जिंदगियां किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज की, इसलिए क्योंकि जो जनरेशन है वो सैक्रिफाइस ना. और मुझे ये भी लगता है ना कि जब कोई चीज़ होती है ना तो गैप होता है, तो वो चीज़ होती है. बिल्कुल. तो कोई ज़रूरत तो थी, कोई गैप तो था उस ज़माने में, जिसकी वरना इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो सकती है. हमारे ड्रामा में देख लेना, कोई गैप होता है तो एक दूसरी खातून बीच में आ जाती है, वो तीसरा टायर ज़रूर आता है. मैं कहना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा राबिया फिर मत टॉन्ट करो, मत तंज करो. मैं आजिज आ चुकी हूँ इस चीज़ से भाई, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा. सही बात. अब ये भी अगर आप किसी को सुनाएं तो वो लोग समझते हैं कि आप एक रोमांटिक पोइट्री सुना रहे हैं. ये एक्चुअली इज अबाउट पैलेस्टाइन. आपको पता है? अच्छा, आई डिड. फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़म जो लिखी है, और ये नज़म है, ये गज़ल नहीं है. okay. ये नज़म जो उन्होंने लिखी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये इश्किया शायरी नहीं है. ये फ़लस्तीन के उस इशू के बारे में है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, जब आप इश्क की बात करते हैं तो मुझे खाक में लिथड़े हुए, खून में नहाए हुए लोग नज़र आते हैं. आप किस इश्क की बात कर रहे हैं? मुझे एक्चुअली नहीं मालूम था, आपने तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया. अब आप सुनिएगा, अब आपको कुछ और मिलेगा. नसीर तुराबी साहब ने हम सफर का जो टाइटल सॉन्ग है, ओएसटी है, वो हम सफर था, वो भी लोग कह रहे थे कि हाय इश्किया शायरी. वो उन्होंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखा था. मेरा दिल चाह रहा है मैं बाकी सारे सवाल छोड़ दूं, मैं यही बातें पूछती रहूं, बिकॉज दिस इज सो इंटरेस्टिंग. सो अब आप जब वो सुनेंगी तो आप सोचिएगा कि ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो रहा था और बांग्लादेश बन रहा था, और ये वेस्ट पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है. अब आप जब सुनेंगी आपको समझ आएगा. सही बात है, आपने तो बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव मेरा वाकई चेंज करते हैं. आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनका भी आई होप यही हाल होगा. और बड़ी ज़रूरत है कभी कभी सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में. कभी कभी नहीं, ज़्यादा सोचना चाहिए. मैंने ये भी ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ, आप कभी कभी सोच लें तो सही है. बट मुझे ये बताएं, मेरा इस चीज़ से, अब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो मैं करती हूँ, आपके पेरेंट्स पार्टीशन उन्होंने देखी और सब बात, कोई उन्होंने वाकया सुनाया, कोई बात उन्होंने की, कोई चीज़ है जो आपके दिल में आज तक रह गई है उससे रिलेटेड, कुछ भी उनका कोई एक्सपीरियंस? एक वाकया हो तो मैं सुनाऊँ. अच्छा. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. मैंने पार्टीशन पे एक पूरी सीरीज़ की थी. आई थिंक मैंने उसकी एक वीडियो देखी है. आपने एक साहब से, आपने वाइट कपड़े पहने हुए और एक साहब से आप बात कर रही हो, आपने उनसे, मैंने पूछा भी था. उसमें 6 प्रोग्राम्स किए थे जिसमें मैंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया था जिन्होंने पार्टीशन एक्सपीरियंस किया है. ये ख्याल ही मुझे तब आया था जब मैं एक दिन अपनी अम्मी से बातें कर रही थी. और मुझे लगा कि जो बातें अम्मी मुझे बताती हैं किताबों में नहीं होती, किताबों में झूठ है.
हिस्ट्री को रीराइट किया गया है. ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो मुझे एज अ फैक्ट मेरी अम्मी अबू दोनों ने बताई थी. पाकिस्तान बनने के वक्त ऐसा कोई नारा नहीं था जो कि आज कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. अच्छा, ऐसा कोई नारा नहीं था. ये 80s में कॉइन हुआ और इसको जोड़ा गया है पार्टीशन से. या मैं कहूँगी आज़ादी से. आज़ादी इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अस. लेकिन ये बातें करते करते मुझे एहसास हुआ कि बहुत झूठ है. सच्ची बात तो ओरल हिस्ट्री में है. उन इंटरव्यूज़ में एक इंटरव्यू मेरी अम्मी का था क्योंकि वो कश्मीर से आई. कश्मीर से मुझे कम ऐसे लोग मिल रहे थे. मेरी अम्मी क्योंकि श्रीनगर से आई थी और मेरे नाना क्योंकि ख़ुद भी मुस्लिम लीग में थे तो अम्मी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग सी थी. तो मैंने अम्मी का इंटरव्यू किया था. वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. मैं आपको लिंक भी भेज दूँगी. बिल्कुल. स्टोरी ऑफ पाकिस्तान के नाम से वो मौजूद है. पाकिस्तान की कहानी कश्मीर की ज़ुबानी. ओके. वो आपको ज़रूर मिल जाएगा. वो बहुत लोगों ने अपलोड किया है और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड करके अपने बच्चों के लिए रखा है क्योंकि उसमें वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं कायदे आज़म और पाकिस्तान मूवमेंट से लेकर आज तक. जो कि हमारी तो हिस्ट्री की किताब ख़त्म ही हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता कि 60s, 70s, 80s में क्या हुआ. सही बात है. सो वो चीज़ें बहुत कुछ हैं शेयर करने के लिए. दरिया को कूजें बंद नहीं कर सकती. तो आपके पेरेंट्स ने कायदे आज़म के साथ काम किया है, मिले हुए? मेरे वालिद अलीगढ़ में थे. अच्छा. और वो ये सुनाते थे कि जब कायदे आज़म वहाँ आए थे तो अलीगढ़ बड़ा मशहूर था ना, बड़े शरारती इंटेलिजेंट लोग हमेशा शरारती होते हैं. तो वहाँ के स्टूडेंट्स तो मशहूर थे कि कोई आता है वो तो उसको टिकने नहीं देते, बात ही नहीं करने देते. अच्छा. कायदे आज़म स्पोक फॉर 4 hours. ओह वाओ, माशाल्लाह. और अब्बू कहते हैं खामोशी थी और बात अंग्रेजी में करते थे, उनको उर्दू नहीं आती थी. तो वो मुझे याद है वो कहने लगे कि हमारे वहाँ पे जैसे वो सफाई करने वाले कुछ लोग थे तो वो बाबा जी थे जो पंजाबी बोलते थे. हाँ. तो वो बैठे हुए 4 घंटे यूं करके ना वो सुन रहे हैं. तो अब्बू कहते हैं हमने उनको छेड़ते हुए कहा कि बाबा जी क्या सुन रहे हो, समझ भी आ रही है? हाँ. तो उन्होंने पंजाबी में कहा पुत्र पता नहीं की कहता है पर जो भी कहता है वाह वाह कहता है. वो बात थी उनके दिल को लग रही थी उनकी बातें. तो माई फादर वॉज वेरी एक्टिव क्योंकि वो उन स्टूडेंट्स में से थे जिन्होंने अपना एक साल वक्फ किया था पाकिस्तान मूवमेंट की कैंपेनिंग के लिए. क्योंकि टीवी तो नहीं था ना, इंटरनेट भी नहीं था, कैंपेनिंग कैसे करते, तो घर घर जाना था. सो फ्रॉम बिहार टू कश्मीर ये स्टूडेंट्स इन्होंने ट्रैवल किया था. और फिर पाकिस्तान फौज ज्वाइन की तो बहुत पैशनेट थे पाकिस्तान के बारे में. अम्मी तो क्योंकि जिस घर में थी वहाँ पर माय नाना वॉज विद द मुस्लिम लीग, कायदे आज़म से क्लोज थे. कायदे आज़म जब कश्मीर आए थे तो वहाँ पर ख़वातीन क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी और इमानसिपेटेड थी तो ख़ास इंतज़ाम हुआ था कि कायदे आज़म और फातिमा जिना साहिबा वहाँ पर एक सेशन करेंगे विद द वुमेन. तो वहाँ पर मेरी अम्मी को ड्यूटी मिली थी के कायदे आज़म के ऊपर छतरी पकड़ के खड़े होना है. माशाल्लाह. अम्मी वाज अबाउट 8 years old. शी वाज बी सो एक्साइटेड. अकॉर्डिंग टू माय मदर, आप इंटरव्यू देखेंगी, मैं आपको बताऊंगी नहीं वरना बोर हो जाएंगी. ठीक, वो आप खुद देखिएगा. ठीक है, ठीक है. वो चीज़ वो अपने आखिरी लम्हों तक, लिटरली जिंदगी के आखिरी लम्हों तक वो बात भूल नहीं सकी. मैं तो कहती हूँ बड़े प्रिविलेज और ऑनर्ड लोग थे, मतलब उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो कहती हूँ मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने कायदे आज़म को पानी पिलाया और सामने देखा. That's मैं मेरे लिए दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कायदे आज़म एंड सिंगापुर के ली क्वान यू. उनके भी आप अगर जद्दोजहद देखें और वर्ड, मतलब इन लोगों के दो, जब भी मैं मुझे लगता है ना मैं डाउन हूँ मैं जाके इनके अकवाल पढ़ती हूँ एंड दे रियली मेक आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देते. बिल्कुल. और इंसान थे, हाँ, फरिश्ते नहीं थे. बट उनकी जो जो पावर और जो एफर्ट और जो डिटर्मिनेशन है ना, आई थिंक वो बड़ी इंस्पायर. सबसे बड़ी बात है कि उनकी उनके प्रिंसिपल्स थे. प्रिंसिपल्स, या चाहे आप उन्हें कहें जी रिजिड थे. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन वो उन प्रिंसिपल्स पे खड़े थे और उससे टस से मस नहीं होते थे. और यही वजह है कि उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई जो कि दुनिया में आप अगर वैसे देखें तो पाकिस्तान का बनना किसी मोजज़े से कम नहीं है. और ब्लडलेस खून खराबा बाद में करवाया गया था. या वो तो और करवाया गया है जब ट्रेनें आना शुरू हुई. और तब वो भी बड़ी सैड कहानी है, बानों की कहानी. हाँ, मैं वो नॉवल पढ़ते हुए बहुत रोई थी. हिट मैंने दास्तान बहुत कम देखा था लेकिन नॉवल मैंने पढ़ा है और मैं हिचकियों से रो रही थी जब मैं वो पढ़ रही. पता है मैं क्यों ये किताबें पढ़ती हूँ? मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म और ड्रामे जो है ना इंसाफ नहीं करते. लेकिन
दास्तान वो ड्रामा है जिसने किताब के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया। ये बात भी सही कह रही है। चलें एक्टिंग की तरफ दोबारा वापस थोड़ा सफर करते हैं हम उस तरफ। एक्टिंग का चस्का भी वहीं से आया था। मुझे आवाजें बहुत अच्छी लगती थी ना। अच्छा, किसकी? शफी मोहम्मद साहब, राहत काजमी साहब। राहत साहब को एक तो सायरा जी को फोन किया था, राहत साहब ने फोन उठाया थी, बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, वैसे क्रश क्रश आपको सिर्फ आसिफ नजामीर पे था? हाँ। राहत काजमी और हमारे बहुत बड़े थे। क्रश के लिए तो नहीं, प्रॉब्ली जिस वक्त वो आते थे मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, ओके। मतलब आई वाज लाइक 7, 8, 9, 10, तो वो क्रश वाला दौर ही नहीं था ना। वो फिर 80s में आके वो वाला दौर था, रियलाइजेशन हुई कि हाँ, कोई तब आसिफ साहब नजर आए, कुछ नर्व फड़की आ गई। और क्या हसीन आदमी है, अभी भी है, सीरियसली। सो माशाल्लाह। अशफाक साहब का एक ड्रामा था, वो एक सीरीज करते थे, एक मोहब्बत सौ अफसाने, व्हाट जेम्स। उसमें एक ड्रामा था जिसमें कि आसिफ साहब प्लेड अ कैरेक्टर जो नाबीना था। अब वो आंखों पे नाबीना, सॉरी मुझे माशाल्लाह, मतलब मैं तो उनके मुंह पे कहती हूँ। हाँ, मुझे बैशिंग करनी पिटवाई नीचे कमेंट आइए कि नाबीना की बात करी और राबिया हंस रही है, बट मैं क्या कहूँ जिस तरीके से उन्होंने बोला। देखिए, मैंने गलत बात की है, आसिफ साहब खुद भी बेचारे ब्लश कर जाएंगे, मैं उनको छेड़ती हूँ इस बात पर। मगर वो ड्रामा आप भूल नहीं सकते, ना आप वो ड्रामा भूल सकते हैं, ना आप आसिफ साहब की उसमें परफॉर्मेंस भूल सकते हैं। ओके, सो यू नो, ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से थोड़ी सी फिल्मी में थी। डांस करने का भी बड़ा शौक था, आईने के सामने पूरा बड़ा सा मिरर होता था कमरे में, उसके सामने जरूर डांस करती थी। कौन से गाने पे सबसे ज़्यादा किया हुआ है डांस, और किस किस्म की, और फेवरेट कौन थी, श्रीदेवी या उससे भी पुरानी हम जाएंगे? श्रीदेवी नहीं, माधुरी। माधुरी, आई लव माधुरी सॉन्ग्स। मैं नाम लेने वाली थी, फिर बीच में रुकी, मैंने कहा नीराबिया पीछे जाओ और नहीं नहीं नहीं, माधुरी मधुबाला की तरफ जाओ और नहीं नहीं नहीं, वो अगेन वो बहुत पीछे है। हां, आई कैन अप्रिशिएट इट। वैजयंती माला बहुत ब्यूटीफुल डांसर, हेमा मालिनी बहुत ब्यूटीफुल डांसर थी। यहाँ पर हमारे यहाँ एमी मिनवाला आई थिंक क्लासिकल डांस करती थी, एस सुलेमान साहब की जो अहलियाँ हैं वो करती थी। लेकिन मुझे अगर मज़ा आता था देखने का तो दैट वाज माधुरी, ऑफ कोर्स, एंड रिलेटेबल बिकॉज आई थिंक सेम एज ग्रुप, तो वो तो क्या रिलेटेबल बहुत था। कौन से मतलब इधर मूवी आती थी, इधर आप उसको कॉपी करती थी गाने को, या क्या होता था? क्योंकि पता है हमें इतनी ज़्यादा वीडियोज़ का एक्सेस नहीं था ना, ये VHS के ज़माने थे। अम्मी ने कहा था जब तक कॉलेज ख़त्म नहीं होगा तो घर में VCR नहीं आएगा। सो हम सिर्फ गाने सुनते थे, अपनी इमेजिनेशन से नाचते थे। अरे वाह। आई थिंक अगेन रेखा, यस, अल्टीमेट। तो कौन सा, लाइक इफ यू गॉट, अगर आपको चांस मिलता तो कौन सा माधुरी का गाना और कौन सा रेखा का गाना आप करती? मैंने करोड़ों उनके गानों के ऊपर डांस किया है, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत डांस किया, घर में, शादियों में। कॉलेज का तो फंक्शन होता होगा, आप सबसे पहले कह देती हूँ कि इसमें एक डांस तो रेखा का मैंने करना ही करना है, होना ही। मैंने कॉलेज में सबसे पहला गाना जो परफॉर्म किया था दैट वाज इन आंखों की मस्ती, और आज भी शर्मिंदा होती हूँ, क्योंकि अगर सब्जी खरीदने भी खड़ी हूँ तो कोई मुझे आके कहता है सेंट जोसेफ, मैं कहती हूँ इन आँखों की मस्ती, ना मैं लाइक ओह गॉड, मतलब व्हाई डोंट यू टॉक मी अबाउट माय ड्रामास, व्हाई यू टॉकिंग टू मी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, वो डेफिनेटली ओके। और अभी मेरी भांजी की शादी थी, तो मुझे कहा गया, क्योंकि बहुत छोटा बिल्कुल फैमिली का इवेंट था, कोरोना शादी, तो मुझे कहा गया कि आपने तो करने, मेरी दूसरी नीस ने खुद ही एक मेडली सी बनाई सारे माधुरी के गानों की, आप इस पे डांस कर रही हैं। अरे वाह। So, तो वो ड्रीम कम ट्रू हुआ होगा, मजा आया होगा। लव डांसिंग स्पेशली ये गाने। हाँ, ये बताएं आपको लगता है इंडस्ट्री में जो पहले जमाना था और अब जो जमाना है, फर्क क्या आया है उसमें? आई डू नो कि लोग कहते हैं प्रोफेशनलिज्म कम हो गया है, आर्टिस्ट सीरियस नहीं होते, बट इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या है? कंटेंट का बहुत फ़र्क है। okay. पहले जो काम होता था, कम काम होता था, सबसे बड़ी बात है। जब कम काम होता है तो आप बहुत मेहनत से, फोकस से उसको फाइन ट्यून करके प्रेजेंट करते हैं। अब इतने सारे चैनल्स हैं, इतना मटेरियल चाहिए चलाने के लिए, तो उसमें कुछ बहुत अच्छा काम है, कुछ मीडियोकर है, कुछ बहुत बुरा भी हो रहा है, हर तरह का काम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले डिक्टेशन नहीं आती थी, ना किसी ब्रांड से, ना एडवर्टाइज़र से, ना प्रोड्यूसर से, क्योंकि उस तरह का पैसा इन्वॉल्व नहीं था। और जो काम करने वाले थे वो इंतहाई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे, तो वो माशरा बिल्ड करने के बारे में सोचते थे। मैं ये कहूँ कि लाइट हार्टेड काम नहीं होता था तो क्या 50-50
और बलीला और शोशा और उससे पहले सचगप और टाल मटोल और कलियां सब थे. बच्चों के लिए तो आज कुछ भी नहीं है. ये वो प्रोग्राम्स है जो बच्चा भी इंजॉय करता था और बड़ों के साथ भी यूज टू क्लिक. बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडी होती थी. तो वो इन्वेस्टमेंट जो होती थी ना ब्रेन में वो आजकल नहीं होती. तो ये जो हुआ इस सफर में किसके हाथों से गिरी रस्सी? हम थोड़ा सा डिरेल हुए. आप लोग भी तो इसमें थे ना. आप लोग लेकर आए वहाँ से लेकर यहाँ तक. विच बाय सेइंग दैट मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आप लोग भी उस सफर का हिस्सा है. आप लोग भी उस सफर का हिस्सा है. कॉन्टेंट का जो चेंज होना हुआ शुरू हुआ तो आप लोग भी तो अडेप्ट किए ना उस चेंज के साथ. बिल्कुल. तो ये कहाँ हमारे हाथ से ये चीज़ गिरी और अब क्या कुछ हो गया? ये तब शुरू हुआ जब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोप्स का इन्वेजन हुआ. हमारी अपनी इंडस्ट्री ने बैठना शुरू कर दिया. फिल्म्स का साथ तो खैर बहुत ही बुरा हुआ, मगर ये इन्वेजन जब हुई है, मैं इन्वेजन ही कहूँगी क्योंकि बड़ी सटल तरीके से हुई और फिर हमारे मुंह को खून लग गया उस चीज़ का. भाई आप जंक फूड खाएंगे तो फिर आपको जंक ही चाहिए होगा ना. फिर आपको घर का खाना अच्छा नहीं लगता चाहे वो कितना भी मुर्गे मुसल्लम हो. तो हमें हमारे स्टैंडर्ड्स गिरना शुरू हुए वहाँ से. फिर जो लोग इस नीयत से आए कि हमने इसका बिजनेस ही बनाना है. बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. मतलब एट द एंड ऑफ द डे काम करते हैं, कमाई भी होनी चाहिए. मगर आप सिर्फ बिजनेस ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और आप उसको उसकी क्वालिटी के ऊपर ना सोचें, वो ज्यादती हुई. फिर एक रियलाइजेशन हुई कि लोग उस चीज़ से बोर हो गए क्योंकि जब कॉन्टेंट इतना कम ढीला होगा तो फिर वो कब तक आपको होल्ड करेगा. फिर आई थिंक एक रिवाइवल हुआ. फिर बहुत अच्छे ड्रामे भी आए, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे शोज हुए. मैं जियो का इसका क्रेडिट ज़रूर देती हूँ क्योंकि अगर मैं उलझन सुलझन या जियो हिना के साथ करती थी तो 50 मिनट भी आता था. उसी के साथ अलिफ के नाम से भी एक प्रोग्राम आता था. उसी तरह से यू नो आलिम ऑनलाइन भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था एक सर्टन एतबार से. तो कंटेंट हर तरफ था, ड्रामे में भी था, एंटरटेनमेंट के थ्रू भी था, इन्फोटेनमेंट के थ्रू भी था. फिर एडवर्टाइजिंग का प्रेशर बढ़ गया, रेटिंग गेम शुरू हो गई. अब ये रेटिंग गेम बड़ी क्वेश्चनेबल है. लोग डिफेंड करते हैं. हमें सबको पता है कि ये दुनिया भर में एक फेल्ड सिस्टम है, ये मैनिपुलेटेड सिस्टम है. फिर भी क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं? कब तक करेंगे? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट फॉलो करेंगे. ओके. वो करेंगे, उनका इट सर्व्स देयर पर्पस. लेकिन वही बात है कि ज़बान खल्क को नकार है खुदा समझो. मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगी. एक हमारा छोटा सा ड्रामा था यारियाँ के नाम से, एक छोटा सा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था. इट बिकेम अ मैसिव हिट. क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को वो चीज़ मिली जो वो देखना चाहते थे. उसमें मैसेजेस आपको सही मिल रहे थे, उसमें कैरेक्टर्स आपको क्लीशेड नहीं मिल रहे थे. आपका तो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था. और क्लीशेड नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. सबसे बड़ी चीज़ ये होती है अगर एक औरत मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, बुरी औरत है. और सास है अगर तो वो, और सास तो होती बुरी है. उस ड्रामे में यारियाँ में वो मॉडर्न भी थी, वो करियर वुमन भी थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, वो वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, पसंद थी, बहुत प्रिंसिपल्ड थी, और एक अच्छी औरत थी. तो हमने वो क्लीशेज भी तोड़े. उसमें बहुत क्रेडिट जाता है टू इरम इंतशाहिद हुज़ अ प्रोड्यूसर एंड टू वजाहत हुसैन हुज़ अ डायरेक्टर. आई थिंक ये चीज़ें, जैसे आपने कहा हम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. हम लोग कुछ कलेक्टिवली आई नो के अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंजेस आए. मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं इंडिपेंडेंटली भी जो कोशिश कर रहे हैं कि चेंज लाया जाए. एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ये टीम एफर्ट है. किसी एक का सर पे सेहरा नहीं हो सकता. मुझे रिसेंटली किसी ने मेरी इंस्टाग्राम पे लिखा कि ये बहुत ज़्यादती है क्योंकि जब हम प्रोमोज और टीजर्स देखते हैं तो उसमें लड़का लड़की नज़र आते हैं और हमें पता है कि ड्रामा उठाने वाले वो सारे लोग हैं. ट्रू. जो कि एक्चुअली सपोर्टिंग पिलर्स हैं, उसके बगैर तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी. जाएगी. तो वो तो कभी सामने आते नहीं. तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए जब आप एक्नॉलेज करते हैं हमारे लिए वही बहुत है. क्योंकि इसका मतलब है हम अपना काम ठीक कर रहे हैं. सही बात है. अगर वो प्रोडक्शन हाउस या चैनल प्रोजेक्ट नहीं करता तो वो वही है जो रेटिंग गेम चल रही है. तो वी डोंट रियली बॉदर विद दैट. हमने अपना काम करना है. सो अच्छा काम हो रहा है. मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा काम होता रहेगा. अब क्योंकि टेलीविजन से हटकर अब हम OTT चैनल्स पे आ रहे हैं. अब हम अब गेम चेंज होगी. गेम चेंज होना शुरू हो चुकी है.
अब चुड़ैल्स भी आपको नजर आता है तो एक झूठी लव स्टोरी भी नजर आता है. मेरे लिए दोनों प्रोजेक्ट्स इक्वली अहम थे, दोनों के मैसेजेस बहुत स्ट्रांग थे. अच्छा चलिए थोड़ी लाइट हार्टेड चीज़ों की तरफ आते हैं. ने माशाल्लाह से आपने लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो मैंने कहा कि आज ना मैं आपको थोड़ी सिचुएशंस देती हूँ और आप एक ये तो नहीं पूछेंगे कि ब्लैक बुक में कौन है इसका दोबारा काम नहीं करना. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछती जिसका मुझे ऐसे सवाल पूछते ही नहीं है जिसका जवाब या तो सही आएगा नहीं या आएगा तो उससे शायद किसी का दिल दुख जाए, तो फिर मैं कहती हूँ क्या जरूरत है यार. बिल्कुल सही बात की. तो मैं क्योंकि ऐसे सवालों के मैं जवाब ही नहीं देती. नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगी. मैंने सोचा कि थोड़ा सा बिकॉज आप सबकी फेवरेट भी अकॉर्डिंग टू यू के यंगस्टर्स की मैं बड़ी फेवरेट हूँ. नहीं मैं नहीं कहती, वो कहती है. वो कहती है ना, थोड़ी कहती है. नहीं मैं यंगस्टर्स की फेवरेट नहीं हूँ. मुझे मेरे एक दो डायरेक्टर्स ने कहा है कि जब कोई नया होता है ना जिसका शुरू शुरू का काम है तो उसके साथ हमें आपको कास्ट करने में ये फ़ायदा होता है कि आप उसको कंफर्टेबल कर देती हैं. ओके. क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार ये नया है. सही बात. हम भी तो नए थे, हम भी तो अननर्व्ड होते थे और जिन लोगों ने मेरे साथ तब ज्यादतियाँ की हुई है ना वो मुझे बिटरनेस नहीं है लेकिन उससे मुझे ये एहसास जरूर हुआ कि नहीं जब आप नए होते हैं ना तो आपको मदद चाहिए होती है, आपको सहारा चाहिए होता है. सो मे बी इसलिए मेरी यंगस्टर्स इसलिए बनती है. नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हूँ इस बात पे. तो मैंने कहा आप दोस्ती बहुत है, बड़े मज़े की बात होती है, तो मैं आप यू विल बी द परफेक्ट पर्सन कि हमें ये इसमें कुछ मज़े की चीज़ें बताएं और कुछ सिचुएशंस. तो अब मैं आपको सिचुएशंस दे रही हूँ, आपने चूज़ करना है. मैं आपको नाम याद है या मैं आपको लिस्ट दे दूँ? मैंने लिस्ट लिखी हुई थी कि नहीं, फिर वो मैं वो फिर प्ले ऑन माई माइंड. हाँ ये ज़्यादा रियल होगा. ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए मैंने कहा वो याद कभी कभी नहीं रहते. माशाल्लाह से इतनी लंबी लिस्ट है, हम खुद थक गए थे लिख लिख के आपने किन किन के साथ काम किया हुआ है. अगर आप एक रियलिटी शो बना रही हो और उसमें आपने तीन एक्टर्स को कास्ट करना हो तो वो किन तीन को इंडस्ट्री में से आप रखेंगी जो रियलिटी शो को मसालेदार, मज़े का, गॉसिपी बना सकें? गॉसिपी तो शायद मेरा अपना नेचर नहीं है. हाँ तो गॉसिपी छोड़ दें, मतलब हाँ, मज़ेदार कि तो लोग बोले कि यार हमें देखनी है इसकी एपिसोड. अच्छा उसमें आई थिंक उस्मान खालिद भट. ओके. क्योंकि वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है. अच्छा. और वो इतना छलावा है और उसमें बकवास करने की इतना मादा है उसके अंदर. ओके. क्योंकि ही विल बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा और वो उसमें कोई इनहिबिशंस नहीं है. वो मतलब लड़की बन के खड़ा हो जाएगा, वो कुछ भी कर लेगा. ठीक है, ठीक है. एक तो उस्मान खालिद एक और दूसरा ये कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी जान है, मेरा बच्चा है. तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल रियलिटी शो में किसके साथ हो सकती है? सही बात है. दूसरे हैं खालिद अनम. क्योंकि एक तो जब मैं बोर होंगी मैं होंगी चलें गाना तो सुनाएं. आप भी इंटरटेन होंगे और सब लोग भी इंटरटेन होंगे. और खालिद साहब और मैं वी गो बैक अ वेरी लॉन्ग वे. जिस जमाने में मैं माधुरी के गानों पर डांस करती थी वो ढोलक बजा के गाने गाया करते थे और गिटार बजाते थे और इसलिए हमारी बड़ी एक पुरानी एसोसिएशन है, बड़ी प्यार वाली. एंड ही इज ऑल्सो मैड, ही इज सो फनी. सो आई थिंक खालिद अनम हैज टू बी देयर. ओके. थर्ड आई थिंक वी नीड द फीमेल फैक्टर. या तो फीमेल फैक्टर में ज्यादती हो रही है कि दो तीन नाम आ रहे हैं जहन में? दो कर लें, चलिए मैं तीन से चार कर लेती हूँ, दो कर लें. अभी आगे भी बात में सवाल काफ़ी हैं. एक तो आयजा हो सकती है. ओके. क्योंकि वो भी जितनी वो संभली हुई और नजर आती आती है ना स्क्रीन पे दीवानी है. अच्छा. शी कैन बी क्वाइट मैड एंड क्वाइट क्रेजी एंड क्वाइट द प्रैंकस्टर. अच्छा. और मेरी तो चटोरी भी है. ओह फिर तो मज़ा, तो सेट में मज़ा बढ़ाएगा. ठीक है, ठीक है. हाँ मेरा ख्याल है ऐसा ही सही है. सही है. सो भाई रियलिटी शो है तो उसमें होंगे हिना के साथ उस्मान खालिद बट, खालिद अनम एंड आयजा खान. ओके जी, सेकेंड मेरा सिचुएशन है, आप कुकिंग शो स्टार्ट कर रही हैं. पहला गेस्ट किसको बुलाएंगी और क्यों? शमीम हिलाली. क्यों? क्या खाना बनाती हैं. अच्छा. उफ क्या बनाएंगी? बनवाएंगी वो कुछ बनवा लें, बेकिंग करवा लें, खाना बनवा लें, किसी दुनिया की कुजीन का खाना बनवा लें. शमीम आपा के हाथ में जादू है और वो उनसे गुफ्तगू करने में भी बड़ा मजा आता है मुझे लगता वो है. तो एडिड बोनस है. हाँ, एडिड बोनस है. कौन दो तीन लोग हैं जिनका बताएं हु वुड प्रेफर कि वो टेक्स्ट करें रादर देन फोन, और कौन है जो बोलेंगे नहीं यार फोन उठा के बात करनी है, हिना से टेक्स्ट नहीं करना? कौन है इंडस्ट्री? मरियम नफीस. अच्छा. फौरन फोन करेगी. अच्छा. उसको कह भी दूंगा कि मरियम अभी बात नहीं हो सकती. मामा उसे तो मुझे माँ बना लिया हुआ है ना. अच्छा. मतलब अगर उसकी अर्जेंसी होगी कि कुछ नहीं होगा, उसको क्लच बैग चाहिए बिकॉज शादी में जाना है और चीजें सामने पड़ी हुई है ना. आई एम लाइक मरियम मैं शूट पे हूँ.
Seriously? Seriously. That's so sweet. That is very sweet. Haan, She's haan. A darling. वो तो बड़ा मजा आ रहा है सारी स्टोरीज सुन के ना. तो एक तो वो फोन फौरन कर देगी और टेक्स्ट कौन करता है? सबसे ज्यादा किसके मैसेजेस आते हैं? उमेर राणा. अच्छा वो क्या क्योंकि उमेर का और मेरा एक्ट की वजह से भी बहुत काम होता है और उसके अलावा उसको पता है कि मुझे वॉइस नोट से नफरत है तो वो तो हम आउट ऑफ कंसिडरेशन एक दूसरे को फोन नहीं करते हैं तो फिर हम मैसेज कर देते हैं कि भाई सुकून से पढ़ लेना जवाब दे देना. ओके ओके ठीक है. अच्छा अब मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ कि चार आपके कोलीग्स हैं और इनको बोलना है भाई डिवाइड कर लो या तो डिशेस करो या फिर लॉन्ड्री कर लो तो कौन कौन क्या करेगा? बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास, उस्मान खालिद भट्ट एंड उमेर राणा. आई थिंक उमेर राणा और उस्मान खालिद भट्ट को लॉन्ड्री पे लगाया जाए. अच्छा क्योंकि वो वैसे लोगों की धुलाई करते रहते हैं. अच्छा ठीक है. और इमरान अब्बास वहाँ पे निकाल लें. और इमरान अब्बास और बिलाल अब्बास दोनों खैर हैं तो सारे इतने हसीन लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी नाजुकी है तो वो जो डिटर्जेंट है ना लॉन्ड्री वाला उससे उनको बचाया जाए. वो डिश वॉशिंग लिक्विड यूज कर सकते हैं. तो वो अपनी वो उसी में बिजी रहेंगे या कम कर काम कर लेंगे? अगर मैं करवाऊंगी तो चारों करेंगे. चारों करेंगे जी. ओके ठीक है. अगर आपने किसी के ऊपर प्रैंक करना हो या शरारत करनी हो तो किसको कौन पार्टनर चुनेंगे इंडस्ट्री में से और क्या प्रैंक करें या कभी किया कोई किस्सा हमें सुना? प्रैंक्स तो खैर किए हैं बहुत सारे किए हैं. एक्चुअली जितने लड़के हैं ना गौहर उस्मान इवन बिलाल आई फील इनके साथ प्रैंक्स करने का अहमद अली हालांकि मैं साथ काम नहीं किया लेकिन नोइंग हिम मुझे लगता है इनके साथ प्रैंक्स करने का मजा आएगा. वहाज. अच्छा क्योंकि ये सारे थोड़े से खिसके में मेरी तरह. मैं समझा आप आयजा का नाम लेंगी क्योंकि आपने भी आयजा का बोला था. हाँ लेकिन मुझे लगता है कि प्रैंक करने में ये इनके साथ मजा आएगा. इनको पार्टनर में से किसी एक को पकड़ेंगी आप? ठीक है. अच्छा हु विल बी गुड एट बार्गेनिंग? किसको साथ लेके जाएंगी? कौन है जिसके अंदर ये है कि नहीं यार ये बहुत महंगा इसको कम? आई थिंक मदीहा इमाम. अच्छा मुझे लगता है कि हम दोनों अगर जाएंगे शॉपिंग करने तो नहीं नहीं वो बड़ी पक्की है. जब उसे कोई बात करनी होती है बड़ी पक्की है सामने. अच्छा ओके ठीक है. अब मुझे बताएं मेरे पास कुछ मेरे पास चार चीज़ें. ये मैं चार आपको चीज़ें बता रही हूँ. आपके ख्याल में इंडस्ट्री में कौन इतना बहादुर है जिसको आप ये डेयर करें? If you dare that person will do it. सबसे पहले है कि किसी को अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाने दें. ये तो कोई मर्द ही होगा ना? कोई भी हो सकता. हाँ मर्द ही है. औरत के लिए तो आसान है. ओ भी उस्मान. ओके पीनट बटर या न्यूटेला अपने फेस पर लगाएं? इमरान अब्बास क्योंकि उसको मैं कहूँगी ना इमरान तुम इससे और हसीन हो जाओगे कुछ भी लगा लेगा. मतलब आप साइड से निकालेंगी अपना काम. अच्छा ठीक है. ब्रश द टीथ ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. Who will you dare and they will do it? Furkan would do it. हाँ yeah you are right. वो तो पकड़ के करा लेंगे. He would do it. हाँ you are right. अपने मुंह पे कुछ नहीं लगाएगा लेकिन दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है. ओके कभी किया है कुछ ऐसा उन्होंने? कोई नहीं अभी तक शुक्र है मेरे सामने नहीं किया लेकिन वो कर सकता है. ओके चलिए लास्ट है. 10 मिनट तक कौन कंटिन्यूसली बात कर सकता है? मेरे जहन मेरे सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं. फिर एक्टर्स भी चलते हैं. नहीं लेकिन दो ऐसे हैं जो स्क्रीन पे भी आते हैं मोहसिन तल्लत और सरमद. ओके मुस्तकिल अबुल बाले सरमद खुसे. हाँ मुस्तकिल बोल सकते हैं. ओके माशाल्लाह से कामयाब शादी है. अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं आप हमेशा से. जब भी मैंने देखा है यू आर सो प्राउड. राज क्या है इसका? क्या एडवाइस करेंगी आप आजकल के लड़के लड़कियों को बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड स्पेशली कि यू डोंट हैव किड्स तो एंड अच्छा सॉरी मैं तो साल पूरा कर लेती हूँ. You don't have kids and you travel a lot. मुझे लगता है एंड आपकी फील ऐसी है कि उसमें शादी पे जैसे रिलेशनशिप पे प्रेशर पड़ता होगा बट उसके बावजूद अभी तक आप लोग माशाल्लाह से खुश. तो क्या व्हाट डू यू थिंक इज किस चीज़ को क्रेडिट देंगी या आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या एडवाइस करेंगी? आपने दो चीज़ें कहीं कि करियर में ट्रैवलिंग भी बहुत है टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं और बच्चे भी नहीं हैं. मैं एक तीसरी चीज़ भी ऐड करूँगी. ओके हमारे प्रोफेशन में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं अगर आपकी खुदा ना खास्ता थोड़ी आपकी शक्ल काबिल कबूल है तो आपने कोई ना उल्टा सीधा काम तो करना ही होगा चक्का चलाना होगा. सो वो भी एक प्रेशर बहुत आता है आपकी मैरिज पे. आई फर्मली बिलीव और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं सबको ये कहूँगी जो शादीशुदा नहीं है उनको स्पेशली कहूँगी कि पैसे के लिए शादी मत करो.
ग्लैमर के लिए मत करो, फेम के लिए मत करो, शक्ल पे मत करो, सब चीज़ों की अपनी जगह ज़रूर है बिल्कुल, लेकिन जिससे भी शादी करो, और ये दोनों के लिए मर्द हो या औरत, ऐसे शख्स से शादी करो जो आपका दोस्त हो और जो आपकी इज्जत करता हो। जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप कभी भी खुशगवार नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ मैरिड कपल अगर मेरा मियाँ मेरी रिस्पेक्ट करता है तो उसको पता है कि ये कौन है क्या है, इसलिए उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम देर से क्यों आई हो, यहाँ क्यों गई हो, वो कौन है, किसके साथ थी, क्या हो रहा था, नेवर। और मतलब मैं हमेशा ये नहीं थी, कभी मैं भी जवान थी तो तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ। और इट्स द सेम विद मी, मैं कभी डाउट नहीं करूँगी। मुझे लोग कहते हैं कि मेरे मियाँ बहुत सोशेबल हैं, इज़ अ वंडरफुल पर्सन, हंसते खेलते, तो लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि मतलब तुम उसको किराया छोड़ देती हो, खुद ट्रैवल कर रही होती हो, वो भी इतना ट्रैवल करता है, साथ जाया करो ये। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं हर वक्त हर जगह अम्मा बन के नहीं साथ रह सकती, बिल्कुल ठीक है, वो ट्रस्ट है जो साथ रहता है। मैं गलत काम करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतना प्यार करने वाला, मुझे ट्रस्ट करने वाला घर पर है, एंड वाइस वर्सा। तो आप इज्जत, ये कहना कि जी मुझे मोहब्बत है और आप इज्जत नहीं करते और दो कौड़ी का आप कर देते हैं एक शख्स को, तो फिर छोड़ देना, वो कोई मोहब्बत नहीं होती, बकवास होती है वो। बिल्कुल, सो दैट्स व्हाट इट इज, रिस्पेक्ट। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि इज्जत, एंड आई थिंक बड़ा मिसिंग है आजकल की रिलेशनशिप्स में ना, हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, और कभी कभी मुझे लगता है हम ये भी कहते हैं नहीं नहीं क्या इज्जत, मॉडर्निज्म और इज्जत की कभी कभी ना लाइन बड़ी मुझे लगता है ब्लर हो जाती है आजकल। मॉडर्निज्म में ये नहीं कि आप ये कहिए कि सुनिए जी मुन्ने के अब्बा, ये नहीं होता है, दैट्स नॉट इज्जत। इज्जत थप्पड़ लगा दिए मुन्ने के अब्बा ने साथ आपको, इज्जत ये है कि आप उनकी खुशी की रिस्पेक्ट करें, उनकी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करें, लेट दैट पर्सन बी हु दे आर, स्पेस दें, दैट्स वेरी, बर्दाश्त करें, दैट्स वेरी, वो वाली इज्जत की बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आपकी फेवरेट 5 कैरेक्टर्स ऑफ योर, और कौन से, और उनको करने के लिए क्या बच्चे नहीं है ना, ये वो वाली बात है कि आपके 5 बच्चे बता दें कौन सा ज्यादा अच्छा है। चलिए, जो भी इस वक्त याद आ रही है, कौन उनको करने का क्या चैलेंज था या क्या मजा आया, उससे रिलेटेड कोई किस्सा? शायद 5 से बढ़ जाए, आई बीन वेरी लकी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे किरदार मिले हैं और ऐसे जो शायद कभी दोबारा ना भी मिले। मताए जान वॉज वन ऑफ देम, ट्रू, आई रिमेंबर, इट वॉज अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर और बहुत मुश्किल, बहुत पेनफुल कैरेक्टर था, बहुत रोई हूँ मैं उसके लिए। तुम हो के चुप में बीबी जॉनम का कैरेक्टर था, जो कि एक फारसी ईरानी औरत जो कि आकर एक कबायली बलोच सरदार के चुंगल में फंसी हुई थी और इतने सालों से रह रही थी, वो कैरेक्टर बहुत खामोश था, बहुत एक्सप्रेशन था, और वो मेरे लिए एक बार साहब का चैलेंज था। फिर उसमें मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी कि मुझे उस फारसी अंदाज में हर चीज़ करनी थी, सिर्फ बोलने में नहीं, हर चीज़ में। तो पूरा अपना पर्सोना चेंज, पूरा पर्सोना चेंज करना पड़ा। और उसमें जो उस औरत की कन्विक्शंस थी, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल था, वो खामोशी में बयान करना बहुत मुश्किल था। सो दैट्स अ कैरेक्टर दैट आई विल नेवर फॉरगेट। उस कैरेक्टर ने मुझे इज्जत भी बहुत दी है। अल्लाह ताला के घर में मुझे लोगों ने उस नाम से बुलाया है। वाओ, माशाल्लाह। ओके, दे डिडंट नो माय नेम, दे डिडंट नो आई वाज हिना ख्वाजा बायात, दे जस्ट कॉल्ड मी बीबी जॉनम। ओके, और वो पाकिस्तानी भी नहीं थे, तो उर्दू भी नहीं बोलते थे, मगर उन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ था। ये तो बड़े ही मज़े की बात है, बहुत खुशी होती होगी। सो वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तलखियाँ, अप्पो का किरदार, इतनी जहरीली औरत, इतनी नेगेटिव औरत, ऊपर से हसीन औरत और अंदर से इतनी काली औरत कि वो सबको मार के भी नहीं मरी। वो मुझे लगता था कि टुक ओवर मी, मैं कुछ अजीब सी हो गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि उस पूरे स्पेल में, क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली शूट किया था, मुझे लगता था कि ये औरत मेरे अंदर कहीं चली गई है, क्योंकि मैं बिला वजह खाने की टेबल पे इतनी सार्कास्टिक कमेंट्स देना शुरू हो गई थी, मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, आई नीड टू स्टॉप। और हसन न्याजी मुझे बार बार कहता था, वादा करें मुझसे अप्पो को यहीं दफना के जाएंगी, ये घर नहीं जाएगी आपके साथ। बट अगेन अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, और ऐसा ड्रामा तो मुझे लगता है कि बस जिंदगी में एक ही दफ़ा मिला था, दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा नाम यूसुफ,
Yeah, that's one of my favorite dramas. I love it. I love the script. Yeah. I love the drama. I loved everything about it. And usme Aafiya ka jo kirdar tha, kya dialogues the? Kya dialogues the? और क्या कैरेक्टर था और कितनी वो वाइब्रेंट थी और कलरफुल थी बावजूद हर उस चीज के जो वो झेल रही थी सही बात है लेकिन जब खड़ी हुई तो फिर खड़ी हुई मुझे उसकी ये चीज बहुत बहुत अच्छी लगी सो वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फॉर शो यारियां फॉर ऑल द राइट रीजंस जो हम बयान कर चुके मुझे तो उसका लुक भी बड़ा आपका अच्छा लगा था वो विग मैं खुद लगाती थी हाँ। किसी को विग नहीं लगानी आती पूरी इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त वो बहुत उसको मेंटेन भी करना कि ये इन्होंने करवा लिया है क्या बड़ा मुझे बहुत कितना नेचुरल था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू वजाहत हुसैन आवर डायरेक्टर क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये करें मुझे ये टोटली डिफरेंट लुक चाहिए मैं बता रही हूँ मतलब मैं आई डोंट वांट टू किसी और को नहीं बट मेरे लिए उसमें ना पूरे ड्रामे में आपके कैरेक्टर को देखने का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता ज्यादा मजा आता था क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सास और डिफरेंट टाइप की माँ थी यू नो सो वो और ऐसी औरतें हैं माशरे में मगर वो नजर नहीं आती हमारी स्क्रीन पे उसमें लुक का ये भी था कि एक तो बाल और फिर मेरे कपड़े वो अगेन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू नताशा कमाल क्योंकि वो लुक एक एलिगेंट वर्किंग वुमन जो कि बड़ी कंजर्वेटिव ड्रेसिंग भी थी एग्जैक्टली लेकिन मॉडर्न थी ओवर नहीं कहीं कर रही थी बिल्कुल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थी लेकिन यू नो सो वो दोनों चीज़ें वहाँ पर मुझे लगा कि वो कैरेक्टर बहुत पावरफुल था गरमान रह जाए बुरका पहन के जूतियाँ चटखाती हुई गालियाँ ही नहीं निकलती थी मेरे मुंह से आदत ही नहीं है देने की बट नहीं गाली बड़ा मुश्किल था और बोलते हुए फंस जाती थी मैं कहती थी कि दो दिन दे दें मैं प्रैक्टिस कर लूँगी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर था मेरे लिए इससे मुझे बहुत मज़ा आया करने में और गालियों की वोकैबुलरी भी बढ़ गई आपकी नहीं पढ़ती हूँ तो वोकैबुलरी तो है बस अदायगी नहीं थी और पान खा खा के सारा ये अंदर से कट गया था तो फिर मैंने चीटिंग शुरू कर दी कि कत्था लगा लेती थी यहाँ पर कितना पानी नहीं खा सकती सही बात है तो अगेन आई वुड से वो देन अब वो आई जा रहे हैं दिमाग में क्या कहूँ बड़े जबरदस्त कैरेक्टर अब माशाल्लाह खुदा और मोहब्बत मेरे लिए अगेन एक चैलेंज था मैं तो बड़ा वेट कर रही हूँ उसका सराइकी स्पीकिंग औरत है अच्छा सो वो लैंग्वेज डिफरेंट मतलब लहजा डिफरेंट होगा लहजा भी फर्क है और फिर बॉडी लैंग्वेज फर्क है क्योंकि मुल्तान के घराने की एक जागीरदारनी है तो वो बिल्कुल डिफरेंट है तो इस तरह के कैरेक्टर्स में ये मज़ा बहुत आता है कि दे आर दे चैलेंज यू ना आप कुछ उससे हट कर निकल कर टाइप की माँ और डिफरेंट टाइप की सास खेलने को मिलता है राधा और अगेन मैं कहती हूँ कि माँ और सास का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ना कि जी आप लड़के की मुझे कहते हैं कि जी वो लड़की की माँ का मैं कहती हूँ नहीं वो किसी की भी माँ हो या ना हो मुझे पता है वो खुद कौन है खुद कौन है सही बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ये मैं आपको बताऊँ कि मेरा नाम यूसुफ में मुझे लिटरली बिठा कर राइटर ने खलील साहब ने बताया था कि आफिया कौन है उसमें ये ज़रूरी नहीं था कि वो बेटी कौन है क्योंकि वो कह रहे थे कि कहानी आफिया की है वो बेटी उसका शेडो है जो जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ है उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है बिल्कुल सो दैट इज़ वॉट आई फाइंड फैसिनेटिंग अबाउट दीज कैरेक्टर्स कि आप कैरेक्टर की बात करें हाँ वो किसी की माँ भी होगी किसी की बेटी भी होगी किसी की बहन भी होगी एक इंडिविजुअल भी तो है वो खुद कौन है That's और वैसे ये थिंकिंग भी है ना इट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ आवर सोसाइटी यस कि औरत माँ है बेटी बट वो औरत खुद भी तो एक इंडिविजुअल है इंडिविजुअल है चीज़ कह रही हूँ इंडिविजुअल है और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रोल क्या है उस वक्त उसका जिंदगी में वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी पर्सनालिटी रखती है मुझे सिर्फ एक शिकवा ये होता है कि हमारे यहाँ एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते मतलब मैं अपने 30s में थी जब मैं फहद मुस्तफा की माँ बन गई थी बीबी जॉनर में मैं हुमायूं की माँ बनी थी बट वो कैरेक्टर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि आई डिडंट केयर आई वांटेड टू डू इट चाहे आबिद साहब की माँ बन जाती वो भी तैयार थी मैं ट्रू इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर सो वो कैरेक्टर्स आजकल मुझे लगता है कि लिखे नहीं जाते वो यही होता है कि जी लड़की की माँ और लड़के लड़के की कहानी बट लड़के लड़की की कहानी आपके 20s और 30s में तो आप इतने डेवलप ही नहीं हुए होते कि आपकी कोई कहानी हो कहानियाँ तो 30s के बाद शुरू होती हैं ये बात भी है बट ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा हम अभी तक कोई सब कर रहे हैं जो OTT चैनल्स हाँ इंशाल्लाह थैंक यू सो मच हिना फॉर योर टाइम बड़ा मज़ा आया एंड आई एम होपिंग
कि आप लोगों को एक डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू देखने को मिल रहा है. मेरे ख्याल में तो हमने किताबों की बात की, हमने आज़ादी की जो मुहिम चली थी उसकी बात की है, आबाओ अजदाद की बात की है, कैरेक्टर्स की बात की है, बहुत बातें की हैं हमने. इतनी बातें की हैं कि वो कहते हैं ना वक्त कम हो गया है और बातें ज़्यादा अभी भी रहती हैं. मुझे मेरे ऑफिस से लोग जा चुके हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं बस करो भाई रैप अप करो, बट मैं और ना बातों में मगन है. बट नहीं रियली थैंक यू सो मच. नहीं राबिया थैंक यू सो मच, क्योंकि इस तरह से जब बात होती है ना तो वो इंटरव्यू लगता भी नहीं है. और बहुत कम लोग होते हैं जो आपको पहली मुलाकात में इतना कंफर्ट दे देते हैं. थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. एब्सोल्युटली. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. एंड हम बहुत ईगरली अवेट, बहुत ही एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं खुदा और मोहब्बत का. फिर इंशाल्लाह मैंने हिना से वादा ले लिया है कि ड्रामा स्टार्ट हो जाए फिर हम इनको दोबारा इनवाइट करेंगे और सिर्फ खुदा और मोहब्बत की बात करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, खुदा की बात करने लगेंगे तो और कुछ बात करने के लिए रहेगी नहीं. ये बात भी बिल्कुल सही है. आज तो मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं यार, ढाका की उस पर हम सफ़र गाना एंड यू नो ऑल दैट. मैं एक्चुअली अब जाके दोबारा सुनूंगी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी. आमीन. एंड यू टू. थैंक यू सो मच.